जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं रुक जाना नहीं, परीक्षा दिसंबर 2023 का फाइनली 100% असली पेपर लेकर आ चुका हूँ। आपका 80 अंक का पेपर होने वाला है, 3 घंटा का समय रहेगा, 23 क्वेश्चन, 8 पेज आपका। यहाँ पे मैं पुष्टि कर देता हूँ, 100% असली पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो। 130 माया आपको R12 मतलब रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है। इसका सोल्यूशन मैं दिखा देता हूँ, इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। इस पेपर का PDF का पासवर्ड भी इस वीडियो में बता दूंगा, और सभी विषय का चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, और प्लेलिस्ट की लिंक है वहाँ से जाकर देख सकते हो अपना पूरा वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अपना सोल्यूशन देख लेते हैं, इसके बाद पेपर दिखाता हूँ। तो ए रहा फाइनली आपका उत्तर, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठवें का आपको देख सकते हो। बाकी आपको 6 से यहाँ स्टार्ट है, बाकी पूरा मैं ऐसा लिख दिया हूँ, आपको मैं समझा दूंगा तो समझ आ जाएगा। 6 का, 7 का, 8 का यहाँ पर देख सकते हो, और 9 का देख सकते हो, 10 का, और 11 का, 12 का यहाँ पे, 13 का, 14 का यहाँ पे, 15 का, 16 का देख सकते हो, 17 का यहाँ पे, 18 का, 19 का, और ये 20 करा, 21 करा, और ये 22 करा, और ये 23 करा। तो विद्यार्थी, 23 तक मैं बता दिया। और PDF के लिए किसी भी सवाल जवाब के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, आपको टॉपर स्मार्ट स्टडी और यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हो, और सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। सभी विषय का वीडियो इस वीडियो के कमेंट में आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से देख सकते हो। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ पेपर। तो फाइनली मैं आपको चलिए दिखाता हूँ पेपर, ये आपको मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, सही विकल्प चुनकर लिखना है, सही विकल्प चुनकर यहाँ पे आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको राइट आंसर आपका आ नंबर हो जाएगा, जकार्ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचेव का कार्यकाल था, तो इसका आपको बताना होगा, तो 1985 से 1991 आ नंबर हो जाएगा। WHO की स्थापना हुई थी, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो 17 अप्रैल 1948, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किया गया है, तो इसको आपको 181 देश। सर, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है, तो वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक बाजार, और यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे है, उत्सर्जन क्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि, जो कि आपको। इसके बाद आप देख सकते हो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, तो आपको कब किया गया था, 1956 ऑप्शन है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपके सामने चलता हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान में पहला है, 1967 में आसियान की स्थापना खाली स्थान घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी, तो इसका आपको बताना होगा, जो कि बहुत अच्छे से लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 2 है, तो बैकांग वीडियो के अंत उत्तर मिल जाएगा, बाकी बोल दिया, लिखना हो तो लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव खाली स्थान थे, तो आपको इसको लिखना होगा, तो कब से कब तक थे, ये लिखना होगा, तो राष्ट्रपति महासचिव थे, तो 10 जनवरी 1956, सॉरी इसका तो मिस्टेक हो गया, हाँ इसका आपको हो जाएगा विद्यार्थियों, ग्लेन विलनेव, अदा ग्लेन विलनेव। प्रथम विश्व युद्ध खाली स्थान को हुआ था 1914, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 तक 18 तक चलता है, 1914 से 1918 प्रथम विश्व। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, लिमिटेड टू डाटिक पुस्तक खालिस्तान ने लिखी थी, तो आपको इसका राइट आंसर आपको 3 नंबर है, 3 का आपको बहुत अच्छे से लिखना है, तो इसका आपको 1972 हो जाएगा। भारत ने नई आर्थिक नीति खालिस्तान अपनाई थी, 5 नंबर, 1991 में अपनाई थी। स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें खालिस्तान प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी। इसके बाद आपके नीति आयोग की स्थापना खालिस्तान होता है, तो आपको नीति आयोग का स्थापना प्रधानमंत्री द्वारा हुआ है, जो कि 2015 में हुआ है, बहुत बारीकी से लिख लेना, पर यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और एक एक अंक के साथ क्वेश्चन है, 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। सोवियत संघ के कुल कितने गणराज्य थे, तो आपको जो कि प्रश्न क्रमांक 3 है, तो बहुत अच्छे से इसको लिखना है, तो 3 नंबर का उत्तर आपको यहाँ पे लिखते जाना है, तो 15 राज्य थे, जो कि आपको 15 लिखना है सोवियत संघ के। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बहुत अच्छे से इसको याद करना, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग नीदरलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग आपको बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो, हैदराबाद के शासक को कहा जाता है, तो आपको
निजाम, निजाम राइट आंसर लिख लेना। प्रथम पंचवर्ती योजना के योजनाकार थे तो हेरोड डोमार। इसके बाद आपका राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ है तो आपको इसको लिख लेना है तो अनुच्छेद 352। इसका जलिया जयललिता मुख्यमंत्री थी, तमिलनाडु की थी, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसको बहुत अच्छे से लिख लेना है, सत सत लिखना है। सोवियत संघ के संसद में 1785 सदस्य हैं तो आपको बहुत सत सत है तो इसको आपको लिखना होगा, तो पहला का असत हो जाएगा। इसके बाद भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी अध्यक्ष है, भारतीय सुरक्षा परिषद का स्थायी अध्यक्ष हैं तो असत है। वर्ण ये आपको भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी अध्यक्ष है तो भारत नहीं है ना, क्योंकि तो आपको सुरक्षा वीटो पावर जो है उसको बोला जा रहा है तो भारत का उसमें शामिल नहीं है, 5 देश हैं तो भारत नहीं है तो इसका असत हो जाएगा। सब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी ट्रेड में स्थित है तो ये भी असत हो जाए, 3 नंबर असत हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकार की रक्षा से है तो जो कि 4 नंबर है तो असत हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है जो कि असत हो जाएगा, क्योंकि नीली क्रांति श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से, मेरी ये गलत हो जाएगा। शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, असत हो जाएगा। इस तरीके से सत्य सत्य बता दिया, इसको सही जोड़िए अपना देख लेना है। तो पहले का आपका ए नंबर हो जाएगा और WTO का मुख्यालय बी नंबर जिनेवा में है, ये तो सीधा सीधा हो गया दो दो। इसके बाद आप द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति, ये आपको सीधा सीधा हो गया। जयप्रसाद नारायण तो आपको इसका हो जाएगा जो कि 4 4 नंबर है, 4 का आपका ई नंबर हो जाएगा, 4 का। इसका सिक्किम भारत का राज्य बना जो कि आपको 5वां है तो 5वां का आपका डी नंबर हो जाएगा, 22वां। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ये आपको एफ नंबर, बाकी दो ही बाकी सब मिल गया। बर्लिन की दीवार क्या है? बर्लिन की दीवार बहुत अच्छे से विद्यार्थी इसको तैयार करना, जो कि इतना इतना सरल क्वेश्चन है ये ना कि आप देखो बर्लिन की दीवार क्या है। बर्लिन की दीवार 45 वर्टिक और वायर, ये आपको 1961 से 1989 तक पूर्व पश्चिम बर्लिन की दीवार अलग करता है। यह तत्कालीन पूर्व जर्मनी को सरकार द्वारा पूर्व बर्लिन वासियों को पश्चिम की ओर जाने से रोकने के लिए बनाया गया है, जो कि 2 भागों में आपको जर्मनी को भागता है, ठीक है। बहुत अच्छे से लिखना है। सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कौन सी है, इसको नहीं लिखना है, मैं ऊपर वाला बता दिया। निशस्त्रीकरण क्या है? बहुत अच्छे से लिखना है। निशस्त्रीकरण का अर्थ है विनाशकारी हथियारों अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाकर अथवा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखो विद्या, तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द बार बार आ रहा है तो इसको चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जो कि ऊपर है ना, सूर्य से आने वाली किरणों को रोकता है, तो ये आपको मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये होता है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाले बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, और इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन भी होता है, जो कि आपको यदि ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो पृथ्वी पूरा डूब जाएगी पानी से। बहुत अच्छे से बता दिया। इसके बाद यहाँ पे वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव लिखिए, 9 नंबर है, तो चलिए इसका उत्तर लिख लीजिए, जो कि बड़ा है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, ठीक है, तो बाद में बताऊंगा लास्ट में। नियोजन का अर्थ वो परिभाषा लिखिए जो कि आप वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य को प्राप्त के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करना के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन का नियोजन कहलाता है, या प्रबंध का प्रमुख घटक है। तो बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, विदेश नीति क्या है? देखो तो विदेश नीति बहुत अच्छे से है, विदेश नीति जिससे विदेशी संबंधों की नीति को कहा जाता है, अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा द्वारा हुई गई स्व अधिकार रणनीति का समूह। विदेश नीति मतलब कि अपने पड़ोसी पड़ोसी देशों से अपना संबंध बनाए रखना, विदेश नीति यही हो, आपको सरल भाषा में बता दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो सिंडिकेट से क्या तात्पर्य, 12 नंबर है।
इसका थोड़ा बड़ा है तो मैं लास्ट में बता दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हो गैर कांग्रेसवाद की सिद्धांत पत्रिका है, इसको छोड़ो, जो कि मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। इसके बाद प्रेस, इसको भी उत्तर 13 का बता दूंगा आपको। 7 नंबर देख सकते हो स्वायत्तता क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, तो आपको श्वेता इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। गठबंधन सरकार क्या है, सत्ता का केंद्रीय कार्य इसका बताऊंगा। सोवियत प्रणाली की कोई चाल दोस्त लिखना होगा। आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखना है, और स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चार चुनौतियों को लिखना होगा। इसका चिपको आंदोलन व ताड़ी विरोधी आंदोलन पर संक्षिप्त नोट लिखना होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या लिखना होगा, दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों को लिखना होगा। ताशकंद समझौता क्या है समझाना होगा। ताशकंद समझौता आपको बता दूं कि ये आपको भारत और चाइना के बीच हुआ था, इसमें आपको भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे और चाइना के। इसके बाद आगे देखते हैं भारत की विदेश नीति के आधार क्या है, तो इसको भी मैं बताऊंगा। इसके बाद 22 के बाद 23 नंबर अलगाववादी आंदोलन देश की से बाधक में समझाइए, राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है व्याख्या कीजिए। चलिए मैं इसका सलूशन दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने आपको उत्तर दिखाने आ गया हूँ। पहले का आपको लिख लेना है, और दूसरे का, और तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, ए छठवें का, इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 1 का कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 का यहाँ पर लिखना है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठवें का, सातवें का, 3 के बाद आप 3 यहाँ पे, सात असत, पहले आपको असत, दूसरे असत, तीसरे असत, चौथे असत, पांचवें असत, छठवें असत। इसके बाद यहाँ पे रहा आपका चौथा, चौथे 15 15, जो कि 15 देश थे वो, और 15 जनवरी 1966 नीदरलैंड, निजाम तोमर, अनुच्छेद 352 तमिलनाडु। इस तरीके से आपको सही जोड़ी दिखा देता हूँ। सही जोड़ी रहा पहले का है, दूसरे का भी, तीसरे का सी, चौथे का ई, पांचवें का डी, छठवें का यप। इसके बाद ये आपको बर्लिन की दीवार जर्मनी को 2 भागों में विभाजित करती है, इसको लिख लेना है। 6 का, इसके बाद 7 का, इसके बाद 8 का लिख लेना है, इसके बाद 9 का, इसके बाद 10 का रहा, 11 का, और 12 का, और 13 का रहा, और 14 का है, और 15 का देख सकते हो, इसके बाद 16 का, इसके बाद 17 का देख सकते हो, और 18 का, और 19 का, 19 और 20 का रहा है, और 21 का। तो फाइनली मैं 22 दिखा दिया, 23 दिखा दिया, और आपको पूरा सोल्यूशन बता दिया। और यहाँ पे पीडीएफ के लिए यहाँ पर देख सकते हो, पीडीएफ के लिए, किसी भी सवाल के लिए, जवाब के लिए, सोल्यूशन के लिए, नोट्स के लिए, और आप मुझे मैसेज कर सकते हो टॉपर स्मार्ट स्टडी टेलीग्राम यूट्यूब इंस्टाग्राम कहीं पर भी। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको पीडीएफ का पासवर्ड बता देता हूँ कि 12001100 टेलीग्राम में मिल जाएगी पीडीएफ। टेलीग्राम के लिंक का डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो जाइए। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जाइए।